तो राम राम जी। अगर सच्चे राम भक्त हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कौन से शहर से इस वीडियो को देखने लगे जरूर लिख के बताएगा। खैर गाइस, हम लोग गुड़गांव से इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको सामने जो देखने लग रही है, दिस इज़ द ऑल न्यू वैगनआर फेसलिफ्ट 2024। देखा इस यूट्यूब पर हम लोग ही सबसे पहले आप लोगों के लिए न्यूज़ लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, बात करें तो ऑल न्यू वैगनआर फेसलिफ्ट जो है वो इंडिया में हम लोगों ने फाइनली देख ली है गाड़ी। और अगर बात करें इस गाड़ी की, तो भैया बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो है ये गाड़ी रहने वाली है। देखिए, इस गाड़ी में भर भर के फीचर्स जो हैं अब की बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करी जाए इंडियन मॉडल वैगनआर फेसलिफ्ट की, तो उसको अब की बार इतना चेंज कर दिया गया है कंपनी की तरफ से जिसकी कोई हद नहीं। हम लोगों ने ना यहाँ पे दो तीन अलग अलग मॉडल्स जो है इस गाड़ी के देखे। अब सामने जो आपको देखने लग रहा है, ये वैगनआर का एक मॉडल है जिसको कैमोफ्लॉज करके कंपनी जो है टेस्ट कर रही है। पर गाइस, जैसे कि आपको पता है, आप इस चैनल पे आए और हम आपसे कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते, तो हम लोग पूरी रिसर्च के साथ अब की बार आप लोगों के लिए वैगनआर फेसलिफ्ट 2024 की जिन जिन के जो है डिटेल्स लेके आए हैं। तो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशंस हैं नई गाड़ी के टाइम पर मिलते रहे। देखिए, जो नई वैगनआर फेसलिफ्ट आ रही है, उसके 99% पार्ट्स जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं। यानी कि पहले जो है मारुति सुजुकी जापान से पार्ट सोर्स करती थी, बट फाइनली अब जो है ये सारे के सारे पार्ट्स इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ी का प्राइस है वो इतना ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप लोग ये लगा लीजिए कि एल्टो के आसपास जो है इस गाड़ी का प्राइस आप लोग अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि पार्ट्स जो हैं वो लोकलाइज कर दिए गए। लुक्स की अगर बात करें, तो यहाँ से आपको देख रहे हो कितने अग्रेसिव लुक्स जो हैं हमारी वैगनआर फेसलिफ्ट 2024 के आप लोगों को देखने मिल रहे हैं। देखा इस ये वाला जो वर्जन इनको बिगिना कैमोफ्लॉज के गाड़ी को टेस्ट करने लग रहे हैं, पर जो आप लोगों ने पहले काले रैप में गाड़ी देखी थी वो कैमोफ्लॉज है, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। यहां से देखिए, एक जो ये वर्जन है आप लोगों को देखने लग रहा होगा वैगनआर फेसलिफ्ट 2024 का, ये वाला न्यू मॉडल का वर्जन का ये वाला अपना आने वाला है। पर एक आपको पता होगा, सुजुकी जापान बैंडिट नाम से एक गाड़ी को बेचती है, तो गाइस बैंडिट भी जो है अब वैगनआर फेसलिफ्ट के नाम से इंडिया में लॉन्च होने वाली है। दो वर्जन इस गाड़ी के लॉन्च करे जाएंगे। वैगनआर हमेशा से टॉप सेल्स में रही है, बट अब थोड़े से उसकी सेल्स जो है लड़खड़ा गई थी। तो ये गाड़ी जो है ये कल भी लॉन्च हो सकती है, परसों भी, क्योंकि बिना कैमोफ्लॉज के इसको टेस्ट करा जा रहा है। बैंडिट जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये जो है वैगनआर फेसलिफ्ट का एक और जो वर्जन है वो सुजुकी का आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। देखा इस ये गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और प्रीमियम अब की बार रखी जाएगी। यहाँ पे अगर आपको देखने लग रहा होगा, वैगनआर से बहुत बड़े बड़े इसके डिज़ाइन प्रोफाइल रखी गई है, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, इसी के साथ साथ यूवी टिंटेड ग्लासेस जो हैं वो हमको देखने लग रहे हैं। रियर के लुक्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सही बना रखा है। इसी के साथ साथ फ्रंट जो है वो वैगनआर से मिलता जुलता है, जो हमारी सिंपल वाली आने वाली है, बट फिर भी यहाँ से प्रीमियम लुक जो है आप लोगों को दिखने ही लग रहे होंगे। देखा इस बात करें इस गाड़ी के प्राइस की, तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। वीडियो में आप लोग रहेंगे तो आपको जो है इसका प्राइस मिलेगा। देखिए, हमेशा कंपनी क्या करती है कि इंडिया में दूसरे नाम से गाड़ी को लॉन्च किया जाता है और बाहर जो है उसको दूसरे नाम से किया जाता है। तो जापान में बेसिकली इस गाड़ी को बैंडिट नाम से लॉन्च किया गया है और इंडिया में जो है वैगनआर नाम से गाड़ी बिकती है। अब इंडियन वर्जन की बात कर लें, तो जो हमने बिना कैमोफ्लॉज के वर्जन देखा था, उसमें फ्रंट में ऑल न्यू DRLs देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे खैर अभी आपको दिन के टाइम में दिखने रही है, हेडलैम्प्स दिखने वाले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर के DRLs टोटली डिफरेंट है, बीच में जो है हेडलैम्प हाउसिंग विद प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाती है, और सबसे नीचे जो है फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कुल मिला के गाड़ी जो है वो अमेजिंग रहेगी आप लोगों डेली कम्यूटर्स के लिए। बट वैगनआर जो है हमेशा से ना ऐसी मानी जाती थी कि इसके लुक्स इतने अच्छे नहीं लगते थे। यहाँ पे बैक में अगर आप लोग गौर करेंगे, तो बैक भी जो इसका बोल्ड बनाया गया है, साथ ही साथ इस गाड़ी की जो हाइट है उसको भी ऊँचा, बगल में रिट्स जा रही है, रिट्स के बगल में आप लोग देख सकते हो, साथ ही साथ वेन्यू भी जाने लग रही है सामने, तो उसके साथ भी कंपेरिजन में देख सकते हो गाड़ी जो है अच्छी खासी ऊँची बनाई गई। इसके साथ इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो भी सही करी गई है, रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट जो है उसको भी चेंज करा गया। अब की बार रियर वाइपर हमें दिखने लग रहा है, ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स जो है उसका यूज भी जो है यहाँ पे एम्पल अमाउंट में करा गया है। उसी के साथ साथ ऊपर जो है आपको वॉशर भी इसमें देखने को मिलने वाला है। सामने जो जा रहा है, दिस इज ये टॉप एंड मॉडल नहीं है, ये आप लोगों का VXI ऑप्शनल वेरिएंट है। टॉप एंड मॉडल तो मैं आपको बीच बीच में जो दिखाने लग रहा हूँ वो वाला है यार, वो जबरदस्त आएगा। खैर गाइस, ये वाला जो वेरिएंट है ये भी बहुत सारे नए फीचर्स और चेंजेस के साथ देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कौन से शहर से इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, नीचे कमेंट करके बता देंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपके शहर में ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है और इसकी प्राइसिंग जो है क्या कुछ रखी जाएगी। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को हमारी तरफ से मिलते रहे। खैर, बगल में आप रिट्स के साथ कंपैरिजन देख सकते हैं, रिट्स एक अच्छी ऊंची खासी गाड़ी है, पर उससे भी जो इस गाड़ी की लेंथ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, हाइट और लेंथ। तो नई वैगनआर जो है उसको SUV सेगमेंट में कंपनी का लॉन्च करने का पूरा प्रो प्लान है।
अब यहाँ से आ जाता है हमारा टॉप एंड वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट जो कुछ इस प्रकार का देखेगा, बॉडी कलर, डोर हैंडल्स देखने को मिलने वाले, रिक्वेस्ट सेंसर जो आगे पीछे हर जगह इसमें दिए गए हैं, सुजुकी का जो लोगो मिल जाता है, बैंडिट यहाँ से आपको देखने लग रहा होगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये गाड़ी जो है कंसेप्ट में कई बार दिखा दी गई है कंपनी की तरफ से, बट अब फाइनली लॉन्चिंग का टाइम भी आ गया, इसलिए हम लोग आप लोगों सबसे एक्सक्लूसिव डील है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी जो है इसके काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेंगे आपके पास। हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो इसीलिए लगाई गई है बेसिकली कि हाइब्रिड वाला जो वर्जन है वो टॉप एंड मॉडल में दिया जाएगा, जिससे इस गाड़ी की माइलेज है 30 से लेके 40-45 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखा इस वैगनार के लुक्स ना इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट नई वैगनार जो है वो 100% इनकी जो प्रीमियम गाड़ियां हैं उन्हीं के साथ टक्कर में आने वाली है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ग्रिल में क्रोम, इसी के साथ साथ यहाँ से देखिए स्टिंगरे जो इनका मॉडल आया था ना बीच में, कुछ उस प्रकार की देखने को मिल रही है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का एक इंजन मिलेगा आप लोगों को विद हाइब्रिड। जो बेस एंड मॉडल होगा उसमें हाइब्रिड देखने को नहीं मिलने वाला है। हाइब्रिड जो मॉडल आएगा उसकी माइलेज जैसे कि मैंने आपको बता दी 30-35 किलोमीटर प्रति लीटर जो है आप लोग आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कह रहे इस इंटीरियर के अलावा इस गाड़ी में एक्सटीरियर में सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस है। इंटीरियर में भी कमी नहीं छोड़ी गई है आप लोगों को, वायरलेस एप्पल एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एडास वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि देखिए वैगनार वैगनार है हमेशा से और बेस एंड गाड़ी की तरह ही देखा जाता है इसको। पर मारुति का आपके बार ये कहना था कि सेल्स गिरने की वजह से इस गाड़ी में थोड़ा सा प्रीमियम टच हम लोग दे देते हैं, तो वो लोग जो हमें दिख भी रहा है। स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ से आपको दिखने लग रहा होगा कि स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसमें हमें देखने को मिलेगा। बीच का आप डिजिटल न्यूमेरिक क्लस्टर देख सकते हो। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले 10 इंच की दी जाएगी। इसी के साथ साथ टॉप एंड मॉडल में क्रूज कंट्रोल, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो रियर में भी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस दी गई है। इस प्रकार का कुछ इंटीरियर जो है, गियर की पोजिशनिंग जो है बीच में रखी जाएगी। सीट्स का टेक्स्चर देख सकते हैं आप लोग। या टॉप एंड जो मॉडल होगा ना वो इतना ज़्यादा अमेजिंग रहेगा कि मारुति खुद की जो गाड़ियाँ हैं वो भी अब की बार से डरने लग जाएंगी। तो यार देखिए प्राइसिंग की बात करी जाए, यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्ट करा जा रहा है बेस एंड मॉडल का जो प्राइस है लगभग 4,20,000 रुपये के आसपास स्टार्ट हो सकता है। एंड टॉप एंड जो आपका मॉडल जाएगा वो आराम आराम से 6,500-7,00,000 के आसपास जा सकता है। बट टॉप एंड जो मॉडल होगा वो आपको ना भर भर के फीचर्स अब की बार देने वाला है। तो गाइज ये आप लोग डिसाइड करेगा कि आप लोगों को जो है गाड़ी कैसी चाहिए और कैसी नहीं चाहिए। मेरे से पूछा जाए तो यार देखिए गाड़ी नो डाउट अच्छी बनाई गई है बहुत ज़्यादा, और अगर आप मिड वेरिएंट भी ले लोगे तो उसके लुक्स में भी आपको किसी टाइप की कमी जो है वो देखने को मिलने वाली नहीं है। खैर गुड़गांव में जो गाड़ी है शोरूम से पहुँचनी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो मारुति धमाका बिल्कुल कल लॉन्च हो सकती है आपकी द ऑल न्यू वैगनआर फेसलिफ्ट 2024। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा। प्राइस से लेके इंजन ऑप्शन सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, इंटीरियर्स दिखा दिए हैं टॉप एंड मॉडल के। बाकी अब आपसे इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट आप लोगों को हमारी तरफ से जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी वैगनआर फेसलिफ्ट 2024 बैंडिट। बैंडिट मॉडल इंडिया में लॉन्च करे ना करे, बट वैगनआर 2024 जो है 100% हमारे को देखने को मिलने वाली है। बैंडिट बाहर नाम रहेगा, इंडिया में जो है इसका वैगनआर ही नाम आएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी जो न्यूज़ हो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मत जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी ज़बरदस्त न्यूज़ जो है आप लोगों को सेवल केवल इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो मिलेंगे आपसे ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राम राम जी, हैव अ सेफ जर्नी, ड्राइव सेफ़।